प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग बिहार के लिए 221 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला ईवीएस की कर रहे हैं। बिहार पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर वैकेंसी जो बिहार में आपकी आई है, जिसका पेपर आपका होने वाला है, उसके लिए हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं ईवीएस का। और इसमें आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका 50 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं, आज 51 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर 8004109989 पे आप हमें व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से संस्था वन्य जीव संरक्षण, वह कौन सी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है? आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए आपके जो है समर्पित है, इसका आपको हमें कमेंट करके बताना है। और ये भी बताना कि उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका यूएनईपी का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको बताना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय बताना है, यूनेस्को का मुख्यालय बताना है, यूएनडीपी का बताना है, यूएनईपी का, ये पांचों का मुख्यालय भी बताना है। और कौन सी संस्था इसका आंसर होगा, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपको बताना है। ठीक है, अब ये काम आपका है, आप कमेंट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट में, प्रश्नों के लास्ट में हम आपको इन पांचों प्रश्नों के बारे में, चार प्रश्न ये जो नए पूछे गए मुख्यालय वाले, और एक प्रश्न जो प्रश्न प्रेजेंट टाइम में है, उसका आंसर हम आपको लास्ट वाले प्रश्न के बाद में बताएंगे। और यह प्रश्न आपका 100 क्वेश्चन तक चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम वर्षा, कल भी मैंने आपसे बताया था, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन यानी मेघ का बीज डालना कहाँ कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से रसायन का प्रयुक्त करते हैं, तो हम कहते हैं सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। बायोडीजल, बायोडीजल तैयार किया जाता है किस पौधे से? बायोडीजल तैयार किया, देखिए बिहार में एक और पांचवा ऑप्शन होता है। ईपीडीए जब बनाया गया उस समय थोड़ा सा ये बात ध्यान में नहीं रखी गई थी, क्योंकि उस समय ये जो है इसका स्वरूप नहीं आया था कि कैसा रहेगा, तो इसलिए ध्यान में नहीं रखा गया। पांचवा ऑप्शन होता उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो आपका वो आंसर आप लोग सभी लोग जानते हैं, वो आप आंसर के साथ जाइएगा तो चीज़ें आपकी सही हो जाएगी। तो बायोडीजल प्लांट आपको बताना होगा, जेट्रोपा का एक पौधा होता है जिसे बायोडीजल प्लांट के नाम से जाना जाता है। नीम जो है, ये नीम कैसा पौधा है, तो आप कहेंगे नीम जो है ये मेडिसिनल प्लांट में आता है। जेट्रोपा आपका बायोडीजल प्लांट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जानते हैं। कल के वीडियो में भी हमने आपसे बताया था विश्व ओजोन संरक्षण दिवस के बारे में। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस, आप बताइएगा, कल के वीडियो में हमने आपसे बताया था। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, ये आप सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो 2023 में योग दिवस मनाया गया था, सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ इकट्ठा हुई थी, तो आप कहेंगे सूरत। और सूरत कहाँ पे है, तो आपको पता है सूरत कहाँ पे? गुजरात में। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। 2023 का जो विश्व पर्यावरण प्रक्रिया 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आपको बताना, सेल्वी कल्चर किससे? एक होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो है ये आपका संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से, ठीक है। एक होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, ठीक है। और एक होता है आपका जो है ये सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर वन और वन उत्पाद से संबंधित होता है, तो सही आंसर होगा वन और वन उत्पाद से संबंधित जो होता है उसे क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर। सिल्क, सिल्क के उत्पादन से सेरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर फूल के उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से कोई कल्चर नहीं है। तो आपका तीन आंसर आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ये आपके उत्तर प्रदेश विशेष टाइप का एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप कहेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में है। कहाँ पे? चंद्रप्रभा चंदौली में है। ये यूपी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ये छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि जब कोई ट्रॉफिक लेबल होता है, तो ट्रॉफिक लेबल आपने अक्सर देखा होगा इस प्रकार से बना रहता है। ट्रॉफिक लेबल ऐसे बना रहता है और इस ट्रॉफिक लेबल में लिखा रहता है, मान लीजिए मैं छोटा सा बनाता हूँ, इस ट्रॉफिक लेबल है मान लीजिए, और इसी ट्रॉफिक लेबल में बना रहता है और यहाँ लिखा रहता है एक को जो है उत्पादक,
उसके बाद प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्सरी उपभोक्ता, मोस्टली यही रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और इसे उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक मान लेते हैं कोई भी एक चक्र लेंगे तो उसमें उत्पादक जो होता है हरे पौधे ही होते हैं। अब यहाँ पे उत्पादक देखते हैं, कह रहा है द्वितीयक श्रेणी, यानी द्वितीय श्रेणी मतलब सेकेंडरी वाला पूछ रहा है उपभोक्ता कौन है, ये तो उत्पादक है, ये तीनों उपभोक्ता है। तो जैसे देखिए ये कोई घास का मैदान है, इस घास के मैदान को कौन खाता है, का मैदान तो उत्पादक हो गया, घास के मैदान को कौन खाए, मेढक, मेढक क्या हो गया प्राइमरी उपभोक्ता, और मेढक को कौन खा रहा, सांप, तो द्वितीय उपभोक्ता। कहीं कहीं पे किसी किसी चक्र में सांप तृतीय उपभोक्ता के रूप में भी आ जाता है, जैसे घास को ग्रास ऊपर खा रहा है, ठीक है, मेढक तब द्वितीय हो जाता है और फिर ये सांप तृतीय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो सही होगा वो सांप ही सही होगा, ठीक है। झूम खेती कहाँ होती है, आप सभी लोग जानते हैं झूम खेती जो होती है कहाँ पे होती है, एक जो है पूर्वोत्तर भारत में होती है, और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत का एक ही राज्य दिया गया है जिसका नाम क्या है, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप राजधानी मुझे कमेंट करके बता दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, कह रहा है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, शुष्क बर्फ जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है कौन, शुष्क बर्फ, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रूप हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र निम्न में से जाना जाता है, वायुदाब नापने वाला यंत्र जो होता है वायुदाब को जो नापता है, वायुदाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एक एक नीचे चला जाता है, एक बार बराबर रहता है, एक एक ऊपर जाता है, तो इससे तीन घटनाएं होती हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान वाले मैराथन में, तो विज्ञान वाला मैराथन भी आपका बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला, तो उसमें हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि बैरोमीटर का कैसे पाठ्यांक में क्या अंतर आता है। थर्मोमीटर किससे संबंधित है, थर्मोमीटर तापमान को मापने यानी तापमापी है, और इसमें पारा पाया जाता है, और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कई लोगों ने इसका सही आंसर दिया था उस वीडियो में, तो पारा जो होता है, पारा आपका एक धातु है, और यह धातु कैसी है, यह धातु जो है द्रव के रूप में पाई जाती, मैंने आपसे ये पूछा था, और मैंने पूछा था पारा का सिंबल क्या होता, तो आपने बताया था कि HG होता है, दो एक लोगों ने इसका मैसेज किया था, ज़्यादातर लोगों ने मैसेज करना पसंद नहीं किया था। सिस्मोग्राफ, आप जब मैसेज किया करिए तो उसके साथ अपना नाम और जिले का नाम भी रख दिया करिए, जिससे हम आसानी से आपको उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे दिया गया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापक होता है, आर्द्रता किसे कहते हैं, जब पानी में, जब हवा में पानी की उपस्थिति होती है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। बी मतलब होता बैसिलस और टी मतलब होता थोरिंजेंसिस, बी टी बैसिलस थोरिंजेंसिस बैक्टीरिया की सहायता से, एक जो है बैसिलस थोरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, इसकी सहायता से एक फसल तैयार की जाती है, जिस फसल में बैक्टीरिया जो है कोई भी अगर उसको पेस्ट खाना चाहता है तो खुद मर जाता है और उसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान हो जाती है, ऐसे पौधे को हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, तो ये जो है ट्रांसजेनिक पौधा हो जाता है, बीटी काटन, बीटी बैकन, बीटी ब्रिंजन, ये सब ट्रांसजेनिक पौधे के अंतर्गत आते हैं, और बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थोरिंजेंसिस, बैक्टीरिया है जिसका जीनोम डाला जाता है, और इसके प्रोटीन को क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन, हालांकि उतना डिटेल आपको नहीं बताना है, क्लास 12th की NCERT से संबंधित है। यहाँ आ जाते हैं, कहा है कौन सा वायुमंडली प्रदूषक, ये क्लास 10th से संबंधित है, कौन सा वायुमंडली प्रदूषक अम्लीय वर्षा के लिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि H2O जब SO2 के साथ मिलता है तो ये बना लेता है H2SO4, और जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और जिसमें SO4 जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है कौन, SO जो है क्या नाम है इसका, SO2। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कहाँ पे उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होना चाहिए, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पे उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सा रसायन जो है आम पकाने के लिए जिम्मेदार है, आम पकाने के लिए जो जिम्मेदार होता है उसका नाम होता है इथाइलीन, क्या जिम्मेदार होता है, एक मिनट, जो आम पकाने के लिए गैस जिम्मेदार होती है उसका नाम क्या होता है, इथाइलीन होता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है जो आम पकाने के लिए जिम्मेदार होता है, इस हार्मोन को क्या कहते हैं, इथाइलीन हार्मोन कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसको हम रासायनिक रूप से पकाते हैं तो हम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, कार्बाइड का। अब मामला यह आता है कार्बाइड किसका कार्बाइड होना चाहिए, तो कैल्शियम का कार्बाइड लेते हैं, तो सही आंसर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं।
आप जानते हैं कि आम याम हो, केला हो, किसी को पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ये इसकी मार्केटिंग नाम है, इथाइलीन इस हार्मोन की वजह से पकता है। जब आम या कोई केला, जब आम या कोई फल कच्चा रहता है तो उसमें कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कठिन होता है, टफ होता है, पैक्टेट पाया जाता है, पैक्टेट। और वो टफ होता है, उसको कड़ा बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही हम उसको पका देते हैं वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कह रहा कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? टाइफाइड। टाइफाइड सबसे आसान बीमारी है। आसान बीमारी का मतलब है कि जो दूषित जल से सबसे पहले फैल जाती है। कहीं पे अगर आप दूषित जल है या टंकी का पानी पी रहे हैं तो आपको टाइफाइड रोग होने की संभावना ज़्यादा है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप जो है पानी को फिल्टर वाटर का उपयोग करें तो ज़्यादा उपयोगी है। जहाँ पे आप खुलता पानी या वाटर को उबाल करके पिए, या बरसात के सीजन में नल में भी आपका दूषित पानी आ जाता है, इसलिए आपको पानी को उबाल के, जहाँ पे टाइफाइड प्रोन एरिया होती है वहाँ पर ये शब्द उपयोग किया जाता है। एड्स किसका वायरस है? तो एड्स जो है AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, और ये HIV से होने वाला रोग है। एनीमिया एक खून की कमी कहते हैं। खून में जब जो हमारा रक्त होता है, रक्त में जब, ये इसका टाइफाइड आंसर होगा, ठीक है। रक्त में जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन अपने साथ आयरन को जोड़ लेता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, आयरन जो होता है इसका कंपोनेंट होता है, तब इसका नाम हो जाता है हीमोग्लोबिन। हीम क्या है? आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ये हमारे बॉडी में कम हो जाती हैं। जब हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं तो हमारी RBC जो कि होनी चाहिए थी डिस्कॉइड शेप में, वह बदल करके हंसियाकार हो जाती है। इसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, यानी आयरन की कमी। और टिटनस इस साल्मोनेला टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ये वायरस से और ये शरीर में होने वाली बीमारी है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं, मेथेन आता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड घुटन के लिए जिम्मेदार होता है, तो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें कौन सा द्विबीजपत्री पादप है? द्विबीजपत्री पादप की अलग अलग तरह से निशानी है। पहले हम जड़ के आधार पर अगर हमको पता करना पड़े द्विबीजपत्री पौधे में, तो जो जड़ होती है ये, इसमें जो जड़ पाई जाती है वो जड़ कैसी पाई जाती है द्विबीजपत्री में? द्विबीजपत्री में जड़ पाई जाती है मुसला जड़। कैसी जड़ पाई जाती है? मुसला जड़ पाई जाती है। ये द्विबीजपत्री का लक्षण होता है, ठीक है। अगर तने के रूप में पता करना हो तो तना जो होता है द्विबीजपत्री का, इसमें लकड़ी का निर्माण होता है और इसका वास्कुलर बंडल चिपका रहेगा। अगर हमें फल के रूप में पता करना है, पत्ती के रूप में पता करना है, तो जो पत्ती के रूप में अगर हम पता करेंगे, तो जैसे ही पत्ती लेंगे तो पत्ती में दो तरह का विनेशन आपने देखा होगा। एक ऐसा विनेशन होता है, ऐसे पत्ती होते हैं इसमें ऐसे ऐसे विनेशन पाए जाते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल विनेशन। ये आपको दूब में दिखेगा, केला में दिखेगा, ठीक है, आपको मक्का में दिखेगा, ज्वार में दिखेगा, बाजरा में दिखेगा। ऐसे पौधे एक बीजपत्री होते हैं, ठीक है। ये पौधे क्या होते हैं? एक बीजपत्री। लेकिन जिसकी पत्ती बांस में दिखेगा, ठीक है, वो सब एक बीजपत्री। लेकिन जिसकी पत्ती ऐसी हो, मान लेते हैं ऐसे कोई पत्ती है और इस पत्ती में इसी मध्य सिरा से, इसे मध्य सिरा कहते हैं जो बीच में गई है, इसी मध्य सिरा से बहुत सी सिराएं निकली हों जो कि एक जाली का रूप ले ली हो, तो ऐसी स्थिति में इस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं? जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। और इसी जालिकावत सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री में कौन आ जाता है? सरसों है, चना है, मटर है, ठीक है, आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, ये सब किस्में आ जाते हैं द्विबीजपत्री में। लेकिन आपका बांस है, केला है, गन्ना है, ये सब किस्में होते हैं एक बीजपत्री में होते हैं। अगर फल दाल के, इनके फल के रूप में पता करना है, तो चने का छिलका हटाओ तो दो दाल निकलेगी, मटर का छिलका हटाओ तो दो दाल निकलेगी, आम का छिलका हटाओ तो दो दाल निकलेगी, पीपल का छिलका हटाओ तो दो दाल निकलेगी, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत दो दाल पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। और जिसमें एक ही दाल पाई जाती है उसे कहते हैं एक बीजपत्री। जो एक ही बीजपत्री होते हैं उसमें दाल नहीं पाई जाती, या तो चावल पाया जाता है या तो पाउडर पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किया जाता है, पहले सबसे पहले अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जड़ है, और जड़ में सबसे पहले क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाए जाते हैं। जड़ में रूट हेयर पाए जाते हैं। यह रूट हेयर पानी को सोखना शुरू करते हैं और फिर ये रूट को देते हैं, फिर रूट आगे बढ़ाती है इस पानी को, और वहाँ पर पाया जाता है जाइलम, और जाइलम के द्वारा पानी मिल जाता है इसको, तो ये जाइलम हो जाता है। फ्लोएम का करता जाइलम पानी को ऊपर की दिशा में ले जाता है। जाइलम जल, जाइलम का संबंध किससे है? जल से, ठीक है।
फ्लोएम पत्तियों में बने हुए प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियों में भोजन बनता है, उस भोजन को पत्तियों के द्वारा ले आकर के अन्य दिशाओं में पहुंचा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम। कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम बीच में पाया जाता है, थैलेसाइट से कोई बहुत विशेष मतलब है नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। चलिए, कह रहा है कि प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, यानी कौन सा स्रोत है? तो वेद होते हैं, सबसे पहले क्या आए थे? वेद आए थे। वेद कितने हैं? चार हैं। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आप जानते हैं छह हैं। आपको बताना उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद आपको बताना है कमेंट करके, उपनिषद कितने पाए जाते हैं? वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहेंगे सबसे पहले वेद कौन आया था? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है, इसीलिए उस काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। उसके बाद का जो है तीन वेद आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सामवेद, अथर्वेद और यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। गेट उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? कह रहा कौन सी दो गैसें हैं जो 99% हिस्से में फैली हुई हैं? तो उन दो 99% तक हिस्से में फैली हुई हैं उनके बारे में बताना। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो 78% पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो लगभग 21% पाया जाता है, 20.93% पाया जाता है, तो लगभग 21% कह सकते हैं। तो दोनों मिलाकर के लगभग कितना हो जाता है? 99% हो जाता है। कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.03% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, यही प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे देश, हमारे जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक राइटर हैं जिनका नाम है राहुल संकृत्यान, उन्होंने एक लेख लिखी, आपने पढ़ा होगा, आपके पाठ्यक्रम में भी है। उनका नाम है जो है क्या कहते हैं, राहुल संकृत्यान, और राहुल संकृत्यान ने लिखा था अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी जब हम घूमते हैं तो हमें जिज्ञासा बढ़ती है, नई नई चीज़ें देखते हैं, नई नई जानकारी अर्जित करते हैं। तो भ्रमण का मूल उद्देश्य बताना है, लेकिन पर्यावरण के अध्ययन में भ्रमण का मूल उद्देश्य बताना है। तो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। अब किसी बच्चे को जब आप टूर लेके जाते हैं, और स्कूल का बच्चा टूर में मान लीजिए राजस्थान गया, तो अब उसे आपको बालू, जड़, वहाँ की पत्तियाँ, ऊँट, इन सब के चीज़ें में नहीं बताना होगा, क्योंकि उसने व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष अध्ययन के माध्यम से देख लिया। पोखरे में मछली कैसे तैर रही है अगर उसको दिखा दिया जाएगा, तो अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव से सीख लेगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव के लिए हम भ्रमण करते हैं और जा करके नई चीज़ें देखते हैं। किसी को जूलॉजिकल पार्क ले जाइए, बॉटनिकल पार्क ले जाइए, वनस्पति उद्यान ले जाइए, वहाँ पर उन्हें वो चीज़ें देख करके वह व्यक्ति लर्निंग ले लेगा, उसको सीख आ जाएगी, तो वहाँ पर आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष अध्ययन कहते हैं। टोटल आपके 100 नंबर तक का क्वेश्चन आज आपका कराया जाएगा, अभी हम लोग 72 पे हैं, यानी 28 क्वेश्चन आपका रुका हुआ है। आप तेजी के साथ कमेंट करिए और तेजी के साथ जुड़ते रहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो मिट्टी के लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में क्या पाई जाती है? लवण की सांद्रता अधिक पाई जाएगी, यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कह रहा सतत मतलब डेली, और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है? आप प्राइमरी में टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा बार बार मूल्यांकन क्यों किया जाता है किसी बच्चे का? तो आप कहेंगे निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक कोई दबाव नहीं होता। कह रहा परीक्षा का कोई अनावश्यक भय नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार वो बच्चा टेस्ट दे रहा, बार बार पेपर दे रहा, बार बार उसे आप समझा रहे हैं कि यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से लिखना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उस बच्चे में क्या आएगा? लर्निंग आएगी, और उसके अंदर से परीक्षा का डर खत्म हो जाएगा। और जब परीक्षा का डर खत्म होगा, तो वह बच्चा जो है ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? कह रहा चरने वाले जो पशु हैं, जो चारा खाते हैं, चरते रहते हैं, जमीन को चरते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं ये बताना है। तो चुन कर चरना, ये जब घास खाने आपके जानवर, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, जो भी होगा आपके पास, जब ये घास खाने जाते हैं, मान लेते भैंस है, घास खाने जाती है, तो चुन लेती है, मान लीजिए घास खाने वाली खा ली, ये खाने वाली खा ली, ये खाने वाली खा ली, लेकिन ये दो घासें ऐसे हैं जिसको नहीं खाती है, या उसको बदबू आ रही, तो उसको घासों को छोड़ देती है। तो किसी भी लैंड में, जो लैंड होता है, मान लेते हैं खेत है, और इस खेत में पशु चरने गए,
तो मान लीजिए किन घासों को खा गए, तो जिन घासों को खा गए उसकी फ्लावरिंग तो हुई नहीं, लेकिन जो बचे हुए बन घास रह गए उसने फ्लावरिंग की, तो उसके बीज गिरेंगे और वो बीज फिर गिर करके नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा पौधे पैदा करेंगे। तो धीरे धीरे खाने वाली घासें खत्म हो जाएंगी और जंगली घासों का विस्तार वहाँ पर बढ़ जाता है। इसी प्रकार करते करते वहाँ पर क्या होता है कि नए तरह की प्रजातियाँ देखने को मिलने लगती हैं और ये चर करके क्या करते हैं, पशु वहाँ पर वेजिटेशन को बदल देते हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी हड्डियों के लिए कौन सा जरूरी है जो हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो उसका नाम हो जाता है कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्शियम हमारे हड्डियों के विकास के लिए या हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में हिमालय की पूछा जा रहा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। वैसे तो आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल में अवस्थित है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू है, और केटू कितना है 8611 मीटर ऊंची है, आपको यह बात याद होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण को खेल विधि आधारित है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर, तो कहेंगे शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर। किस पर आधारित है, शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या नाम है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है आपको बताना है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। कह रहा कौन सी विटामिन ऐसी है, कौन सी विटामिन ऐसी, विटामिन सी की कमी से, माफ करिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, B1 से बेरी बेरी, रतौदी होता है BA से, और थकान का कोई मतलब नहीं विटामिन से। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन B और C है, वो एक फार्मूला आपने सुना हो गई भैंस पानी में, तो B और C, भैंस गई पानी में, तो B और C जो है कौन सी विटामिन होती हैं, ये जल में घुलनशील है। A, D, E और K ये विटामिन जो है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होती है। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है आपको ये बताना है, किरण बेदी है भारत की प्रथम महिला IPS अफसर। आपको कमेंट करके बताना है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा बताना भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तीसरा बताना भारत की प्रथम महिला जो है क्या कहते हैं इसको लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसको आपको तीन लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष और प्रथम महिला जो है आपकी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण कौन सा, मानी वह वन्य जीव अभ्यारण आपको बताना है जहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ होता है, असम में पाया जाता है। मानस कहाँ पाया जाता है आपको बताना, कान्हा किसली कहाँ पाया जाता है आपको बताना, गिर कहाँ पाया जाता है, गिर पाया जाता है गुजरात में, कान्हा किसली आपको बताना मध्य प्रदेश में, मानस कहाँ पाया जाता है अब आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान आपको बताना है वो कौन से चट्टान है जो इग्नियस चट्टान के अंदर या इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत आती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह से ओजोन परत पाई जाती है, हमारे आसपास में कुछ अराजक तत्व पाए जाते हैं, जो अराजक तत्व, देखिए जब कोई काम आप करना चल रही है तो वो अराजक तत्वों की आवाज़ आने लगती है, अब कुछ नहीं बचा था तो ये अपना गेट पीट रहा है, अब ऐसे लोग ऐसे पड़ोसी ईश्वर किसी किसी को देते हैं, क्या कर सकते हैं, अब इनसे लड़ाई तो कर नहीं सकते हैं, अब लड़ाई करने का मतलब है कहेंगे हम अपना गेट पीट रहे हैं, पागलों की दुनिया है इनसे लड़ तो सकते नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए और प्रश्नों पर कंसंट्रेट करिए, ऐसे आपके भी आसपास में अराजक तत्व पाए जाते होंगे, अराजक तत्वों की कमी नहीं धरती पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कभी भी आप चलिए डिस्टर्ब करते ही रहते हैं। चलिए जाने दीजिए, हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, अराजक तत्व आएंगे जाएंगे, इनका काम ही ऐसे है और यहीं पे ऐसे रहेंगे। पृथ्वी के वातावरण पे ओजोन परत पाई जाती, ओजोन परत आपको बताना कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे आप कहते हैं समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या होता है, समान होता है, और मैंने कल आपको बताया था कि ओजोन का फार्मूला होता O3, और रबर जो होता है, रबर जब आप जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बहुत सी पॉइजनस गैस निकलती है जो कि वायुमंडल के लिए नुकसानदायक होता है,
और चिलगम में बहुत से लोग रबड़ चबाते हैं जो उनके पेट में जाकर के ट्यूमर का कारण बन जाता है, तो ये सब चीजें नुकसानदायक होती हैं। तो इसलिए कह रहा ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस हमारे लिए नुकसानदायक है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न और पूछा जाएगा, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। आप सबने इस बात को अच्छी तरह से जाना, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो भूकंप की तीव्रता नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, कार्डियोग्राफ से। आपकी क्या नापी जाती है? ईसीजी। ऐसे ईसीजी का ग्राफ बनता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी ऐसे ऐसे बनता है। यहाँ पे अलग अलग लेबल होते हैं, इसे ईसीजी कहते हैं। आपके हार्ट के बारे में बताता है कार्डियोग्राफ। बैरोमीटर, बैरोमीटर का पाठ्यांक वायुदाब मापन के लिए उपयोग किया जाता है, और फिजियोग्राफी का कोई बहुत मतलब यहाँ पे है नहीं। अब आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध एक पूरा ग्लोब है, और इस ग्लोब में 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इधर की हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये उत्तरी गोलार्ध है। अब आपका कह रहा है कि इधर वाला हिस्सा पूरा दक्षिणी गोलार्ध, इधर वाला उत्तरी गोलार्ध। अब आपसे पूछ रहा है कि ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। अब कह रहा है कि साउथ में जो है सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। हालांकि हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, लेकिन इसी चक्कर में आप ऑप्शन गलत कर देते हैं और आपका प्रश्न आता हुआ आपका नुकसान हो जाता है। कदाप ये मत मानिएगा, क्रिसमस डे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्मदिन के दिन ही नया कैलेंडर शुरू हुआ था, तो 25 तारीख से थोड़ी ना हम लोग कैलेंडर मनाते हैं, हम लोग तो मनाते हैं 1 तारीख से कैलेंडर जो मनाया जाता है। तो इसलिए आप ये जानिए कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी चूंकि आप बता सकते हैं कि नॉर्थ यानी जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आप कहेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम मैंने आपसे बताया वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का लोक नृत्य है। हमने बिहार के सभी लोकगीत लोक नृत्य आपको करवा दिए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप छोड़ देते हैं तो आप उसका नुकसान सहेंगे। चलिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्लेग। प्लेग क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तो ये जीवाणुजनित बीमारी है। किससे होता है? प्लेग नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट क्या होते हैं? गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला आदि के जलने से जो अपशिष्ट यानी धुआं निकलता है गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों को दूर दूर प्रसारित होते हैं? तो फल के प्रकीर्ण बीज द्वारा जो है ये दूर दूर प्रकीर्णित होते हैं, यानी क्या कहते हैं पॉलिनेटेड होते हैं, नहीं डिस्पर्स होते हैं। प्रकीर्णन मतलब होता है डिस्पर्स होना, दूर दूर तक फैल जाते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है, देखिए 5 प्रकार का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 2, 1, 3 एक लाइन। यहाँ पे जीव मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन हम लिखेंगे, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ बस। सबसे पहला इंटरेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सहजीवी, यानी जिसे कहते हैं मुचुलिज्म। मुचुलिज्म में क्या होता है कि दोनों जीवों को लाभ होता है, ये इसको लाभ होता है, इसको भी लाभ होता है, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण हो जाता है यहाँ पे, इसका उदाहरण हो जाता है कौन सा? तो आप कहेंगे लाइकेन। और कल आपको मैंने लाइकेन बताया था कि लाइकेन जो होता है एक किसका उदाहरण, लाइकेन जो होता है ये क्या होता है कि कवक और फंजाई से मिलकर के बनता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कौन आ जाता है? तो यहाँ पे आ जाता है पैरासाइट। पैरासाइट में क्या होता है कि एक को लाभ होता है दूसरे को नुकसान होता है। पैरासाइट में जैसे ढील है मनुष्य के ऊपर पैरासाइट है, ठीक है, बैक्टीरिया है बहुत सारी जो आँख में पैरासाइट है, कोई केचुआ है आपके पेट में पैरासाइट होता है, तो ये सब क्या होते हैं कि आपके ऊपर पैरासाइट होता है। 2 तरह के पैरासाइट होते हैं, अंतः पैरासाइट एक बाह्य पैरासाइट, जो यानी एक एंडो पैरासाइट होता है एक बाह्य पैरासाइट होता है। जो बाहर से खून पीता है उसे बाह्य परजीवी कहते हैं, और जो अंदर खून जाके पीता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर अंतः परजीवी होता है, और जो ढील है ये बाह्य परजीवी होता है, और मच्छर माफ करिए मच्छर बाह्य परजीवी होता है, ढील बाह्य परजीवी होता है, लेकिन आपके पेट में पाया जाने वाला टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जिसका नाम है वह अंतः परजीवी होता है, और आपके अंदर इंटेस्टाइन में चोट पहुंचाता घाव बनाता है, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं।
तीसरा जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक को लाभ होता है दूसरे का नुकसान हो, जैसे शेर और बकरी। शेर क्या हुआ, बकरी को खा गया, अब शेर का पेट भर गया और बकरी मर गई, तो एक का लाभ एक का नुकसान। ठीक, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है कॉमन सिलेज में। कॉमन सिलेज में क्या होता है कि एक को लाभ होता है दूसरे को ना लाभ होता है ना नुकसान होता है, ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं कॉमन सिलेज। जैसे आपने कॉमन सिलेज का बहुत अच्छा उदाहरण देखा होगा, भैंस नीचे चर रही होती है और कौवा उसके ऊपर बैठ करके उसके ढील को खा रहा होता है, ऐसी स्थिति में कौवा परिभ्रमण भी कर रहा है और ढील भी खा रहा है, तो उसको मज़ा भी आ रहा है, पेट भी भर रहा है। और दूसरा आपको बता दें कि आम के ऊपर देखे होंगे, आम या पीपल के ऊपर एक पौधा और उगाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं एपीफाइट कहते हैं, वह पौधा उसी आम की छाल को खा करके पेट भरता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होता, लाल लाल उसके फूल गिरते होंगे आपने देखा होगा, और उसको फायदा क्या होता है, आम का कोई नुकसान ही नहीं है क्योंकि उसकी सड़ी हुई छाल को खाता है, और इसको लाभ मिल जाता है क्योंकि उसके ऊपर बैठने की जगह मिल जाती है। और एक अंतिम होता है जिसका नाम पांचवा है, पांचवा कौन होता है, एमन सिलेज में होता है। एमन सिलेज में कैसा होता है कि एक को तो नुकसान होता है दूसरे को ना लाभ होता ना नुकसान होता है, ऐसे आपको मनुष्य मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा, इसमें एक प्राणी का नुकसान हो जाएगा, एक का ना लाभ होगा ना नुकसान होगा, ऐसे प्राणी को क्या कहते हैं एमन सिलेज। तो आपके उदाहरण के हिसाब से यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था उसके हिसाब से कह रहा है कि एक कह रहा है दूसरे सहजीवी को लाभ लाभ पहुंचाते हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं सहभोजी कहते हैं। ठीक है, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों मकोड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा। मोर द्वितीय पिरामिड है, एक मिनट देखो कह रहा मोर सांप को खा रहा है, तो ऐसे बनाइए यहाँ पे हो जाएगा मोर आपका मोर हो गया सांप को खा रहा है, इसके बाद ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा सांप और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे कीड़े यानी टिड्डा और टिड्डे के नीचे हो जाएगा यहाँ पे पादप, तो आपका कौन पूछ रहा है मोर, मोर जो है तृतीय स्तर का यानी आप कहेंगे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे बैठा हुआ कौन मोर, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे बैठ गया। निम्न में से कौन सा कायांत्रित सेल का उदाहरण है, कायांत्रित सेल मतलब जिसकी काया को बदल दिया गया, काया बदला जाता किसका संगमरमर का, तो संगमरमर की काया को बदल दिया जाता, संगमरमर चमकता है ना, तो काया बदली गई होगी, वो अपने ऊपर मेकअप लगवाता है तो चमकने लगता है, इसीलिए वो कायांत्रित चट्टान में आता है, याद रखिएगा, याद रखने का यही सब तरीका है और कहीं से याद थोड़ी ना होता है, ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा, खुरापाती चीजों से याद करेंगे जल्दी याद होगा। अगला, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है महासागर में। अच्छा, आपने सुना होगा एक दो तीन साल पहले एक घटना घटी थी कि हल्ला हो गई नमक कम होगा और सब नमक खरीद खरीद के भरने लगे, मतलब इतना ज़्यादा समुद्र है नमक कैसे कम हो जाएगा, और मैंने कल आपसे पूछा था कितने महासागर हैं आपने बताया नहीं था, नंबर ऑफ ओशियन आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ओशियन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ओशियन नहीं टोटल नंबर ऑफ ओशियन कितने होते हैं आपको कमेंट कर बताना, कल का क्वेश्चन है अभी तक कमेंट आया नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका ये साधारण नमक होता है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, नहीं लेकिन आपको बताना है सोडियम ये जो है कौन सा नमक ऐसा होता है जो चट्टानों से निकलता है, और उस नमक का नाम जिसे सेंधा नमक कहते हैं, तो चट्टानों से निकलने वाले नमक का आपको बताना है क्या, जल्दी बताइए, आपको बताना है रासायनिक फार्मूला। आगे बढ़िए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, जो कि राज्यसभा में उपसभापति जो राज्यसभा का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, इसीलिए राज्यसभा की जो बातें होंगी उस कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक, ये तो बताने वाली जरूरत नहीं, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन पाई जाती है, जरोड़ मिट्टी पाई जाती है जिसको दो भागों में खादर और बांगर में बांटा गया है, ये तो आप लोगों को रटाया है, 43% तक पाई जाती है जरोड़ मिट्टी। ठीक है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, तो नाम ही में उसके आंसर है, और ये हमारी लग गई सेंचुरी यानी 50 प्रश्न हमने कल आपको कराया था और आज का 50वां प्रश्न आपका पूरा हुआ, 100 क्वेश्चन की सेंचुरी लग गई, तो एक बार ताली बजाइए और इस प्रश्न का आंसर आप बताइए क्या होगा। कह रहा है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा होना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए, सभी होना चाहिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, चारों के चारों आंसर सही हो जाएंगे। और आपसे मैंने एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय हिंद।